हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि गया और एक बार लौट करके आ जाए। इसके बीच में रंगमंच पर कोई ना कोई घटना होनी चाहिए और वो घटना ही श्री कृष्ण कुछ बोल करके उस समय का जैसे व्यवधान कर रहे हैं कि ये इतना समय बीच में व्यतीत हुआ होगा। पात्र एक साथ गया और लौट करके आ जाए तो वो कहीं वैचारिक दृष्टि से उचित नहीं होगा और उसमें काल की यूनिटी टाइम ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम वो नहीं होगा। नाटक में तीन यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। देश काल और पात्र इनकी अनविधि, उसको कहते हैं अनविधि, अंग्रेजी में कहेंगे यूनिटी। तो ये तीनों होनी चाहिए। तो काल की अनविधि रखने के लिए यहां पर बड़ा सुंदर ये कृष्ण का जो बीच में विलाप है वो विलाप उस काल की अनविधि को बनाए रखता है। मधुमंगल गए जैसे वहां पर देखा और जो कुछ भी देखा है उसको अब पुनः प्रवेश करके वे अब कह रहे हैं। तो प्रविश्य मधुमंगल कह रहे हैं, अरे भैया कन्हैया प्री वयस्य आश्चर्यम आश्चर्यम, बड़ी आश्चर्य की बात है। नम राधिका कामपि विद्यां जानाति, जरूर राधिका कोई न कोई विद्या जरूर जानती होगी। श्री कृष्ण बोले कौन सी विद्या, कथ्यताम कीदृशी विद्या। मधुमंगल कह रहे हैं कि कुल वृद्धा आभिरि मंडले निविष्टाया भगवत्या अकृता। उधर जब राधिका और ललता इन दोनों को पकड़ करके जटला, एक हाथ से राधिका एक हाथ से ललता, इन दोनों को पकड़ करके और गठिया जो है उसको खटखटाती हुई और पृथ्वी को हिलाती हुई धूम धाम करती हुई कि आज मैंने पकड़ लिया, आज तुमको सबके सामने दिखाऊंगी, ये कहकर के जब पंचायत बैठी हुई थी गोपियों की, जहां बूढ़ी बूढ़ी गोपियों की, और उनमें प्रविष्टाया भगवत्या, भगवती पौर्णमासी जी भी वहां पर बैठी थी, उस सभा में विक्रोशन की जोर जोर से पुकारती हुई वो हल्ला मचाती हुई राधिका नीता, वो जटला राधिका को पकड़ करके ले गई। श्री कृष्ण घबरा गए, तो अपने वहां पहुंच गई राधिका, तब तो जाने क्या हो गया होगा। मधुमंगल कहते हैं तो दुष्टम मया स्नेह बुभुक्षतासु पासु सर्वासु राधा गुंठनम हसन सुबल समृता। तब मैंने देखा कि स्नेहेन बुभुक्षतासु सब गोपिकागण वहां पर जितनी भी बैठी हुई थी वे सब राधिका के प्रति अति स्नेह उनको करती हुई विराजमान थी और स्नेह से वे सब भूखी थी, रोकना चाहती थी, परंतु उसी समय जटला ने राधिका के मुख के अवगुंठन को घूंघट को चू खोला, वहां पर राधिका तो निकली नहीं, राधिका जी के सोल प्रकट हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पंचायत में ले जाकर के जैसे ही उसने प्रमाण के रूप में राधिका को प्रस्तुत किया वैसे ही सर्वासु विभुक्षे वो भी शुभितासु अत्यंत अत्यंत जो क्षुभित हो रही थी, विशेष रूप से जो क्षुभित हो रही थी, सब दुखी हो रही थी, उस समय जटला ने जैसे राधिका का अवगुंठन खोला वैसे ही हसन सुबल समृता। तो अवगुंठनम उत्साहित हसन तो सुबल समृता, वो सभी स्वर निकल आया वहां पर। श्री कृष्ण मुस्करा गए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो ऐसी फकीती हुई है डोगरी की कि सब कह रहे हैं तू जबरदस्ती हमारी राधिका को दोष लगाती है, जबरदस्ती दोष लगाती है, ये तो बच्चे हैं किशोर अवस्था में, बस इनको बस किसी की परवाह है क्या, ये तो आनंद से खेल रहे हैं और होली का अवसर अभी अभी बीत करके गया है, बसंत ऋतु है, ये तो नई नई वेश बना करके डोलते हैं और तू इन बच्चों के खेल में हमारी प्यारी राधिका को दोष लगाती है, हमारी कितनी प्यारी है श्याम सुंदर उनको तू दोष लगाती है, हाय हाय ऐसे दोष नहीं लगाना चाहिए,
तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, खबरदार ऐसे दोष मत लगाया कर। उस समय तको हास कोलाहल उपरते, हास कोलाहल जब समाप्त हुआ तो रुष्टासु सर्वाभि निर्भस्यता लज्जया। उस समय सबने जटला की बड़ी भारी निर्भस्यता की और उस समय लज्जा से व्याकुल होकर के नतमुखी जटला परायणा, नतमुखी होकर के वो जटला भाग गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कथ्यतां तयो द्वितीया कथम अभूत, कह रहे हैं कि उनमें जो दूसरी थी मानी जो ललता थी, उस ललता का क्या हुआ? कृष्ण को भी पता नहीं है कि ललता भी कोई दूसरा था। सुवर्ण तो राधिका बन गए, दूसरी कौन हुई? दूसरी कहां गई? बोले दूसरी क्या हुआ? दूसरी तो वो तो वृंदा थी। मधुमंगल कह रहे हैं कि राधिका करने पठते के नाम मंत्रियों प्रथमेव सात वृंदा करता। राधिका ने कोई मंत्र मन ही मन में गुनगुना करके फूंक मारी और जैसे ही फूंक मारी वैसे ही वो ललता वृंदा बन गई। ललता भी वृंदा के रूप में पड़ जाती। तो राधिका कर्णे पठते के नाम मंत्रियों, काल में कोई मंत्र पढ़ा गया उससे पहले ही वो राधिका वृंदा बन गई थी। श्री कृष्ण कह रहे हैं सखे न राधिकाया खलुयम विद्या, मैं जान गया ये राधिका की विद्या नहीं है किंतु ये ताम मभिमन्युना समाहृताम अवधार्यो मत विनोदाय वृंदया प्रणीतम इदम कौतुकम। श्री कृष्ण ने अब यहां पर इस घोषणा को कर दिया कि अभिमन्यु के समाहृताम अवधार्यो, अभिमन्यु के द्वारा सारी वृद्धाएं इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए मत विनोदाय मेरा विनोद करने के लिए, मुझे भी आनंदित करने के लिए वृंदा सखी के द्वारा ही ये पूरा नाटक खेला गया था। ये सब राधिका के ने कोई मंत्र पढ़ा ये सो बात नहीं है, ये वृंदा ने कोई अपूर्व योजना की है और अपूर्व योजना करने से ये कार्य यहां पर प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार इसको प्रकरी के रूप में कहा गया। नाटक में तीन कथा वस्तु होती है, वस्तु माने जो थीम प्लॉट जो है वो प्लॉट तीन प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य नाटक अंक, एक होता है अंक, दूसरा होता है पताका, तीसरा होता है प्रकरी। तो यहां पर पताका का जो दृश्य है वो पताका का दृश्य तो दिखाया जाएगा, पताका रूपी जो कथा का भाग है उसको तो प्रस्तुत किया जाएगा श्री चंद्रावली जी की कथा के माध्यम से। आगे चंद्रावली जी की कथा आने वाली है, इसके आगे वाले अंक में वो पताका है। प्रकरी वो है जो कि बहुत थोड़े समय तक कोई प्रसंग रहे और वहां पर ही वह प्रसंग समाप्त हो जाए, उसका नाम प्रकरी है। रामायण में जैसे श्री राम की कथा वो तो है मुख्य कथा, मुख्य वस्तु, तकनीकी भाषा में उसको कहा जाएगा, टेक्निकल जो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी वस्तु। भरत मुनि वस्तु कहेंगे, वस्तु तीन प्रकार की, वस्तु पताका प्रकरी। जो बहुत दूर तक मुख्य कथा के साथ साथ चले उसका नाम पताका है, जो कुछ देर के लिए चले उसका नाम प्रकरी है। तो रामायण में श्री सुग्रीव की जो कथा है वो पताका है और सुग्रीव की कथा के बाद में बीच बीच में जो कथाएं आई, जैसे जटायु की कथा आई, जैसे शबरी की कथा आई, इनको हम कहेंगे प्रकरी। तो पताका और प्रकरी, ये तीन प्रकार की कथा, यहां पर भी ये प्रकरी का प्रसंग यहां पर प्रस्तुत किया गया कि वैशी चोरी रूपी
की जो प्रकृति है उस प्रकृति नामक वस्तु को यहां पर प्रस्तुत किया गया। महामंगल अतः सही कह रहे हैं सत्यम सत्यम दृष्टम मया पुनरपि वृंदया निर्मित राधा वेश मुखरा गृह प्रविष्ट मेरे अभी अभी देख करके आया हूं मुझसे मना कर रही थी वृंदा मधुमंगल बोलना मत और इशारा करके निर्मित राधा वेशा राधिका के वेश को दोबारा बना करके मुखरा गृह प्रविष्ट सुवन को दोबारा राधिका के वेश में सजा करके वृंदा ने उस सुवन को मुखरा के घर में भी प्रवेश कराया है। इतने में ही नेपथ्य में से आवाज आती है दधाना मध्यान्त ज्वल तरुण कांत प्रतिमया बपुस्तुल्य दंड स्थल तुलित कारण्डव रुचि कृशांगीयम निद्रा परमल द्रव दद्राक्ष कबला सखी बाधाम राधा हरि विरह खिन्ना प्रसायती। देखो देखो श्री सखी बाधाम राधा हरि विरह खिन्ना प्रसायती। श्री राधिका ललता विशाखा प्रभृति जितनी भी सखी गण है उन सब सखी गणों की हृदय की वेदना को उल्टा और प्रकाशित करती हुई विराजमान हो रही है। श्री राधा कैसी हैं? दधाना मध्यान्न ज्वलत अरुण कांत प्रतिमया बहु मध्यान्न काल के चमचमाते हुए अरुण कांत जिनकी शोभा ऐसे सूर्य के समान तप्त कांचन रुचि को धारण करने वाली ये श्री राधिका आ रही है। हमारी किशोरी जी की रूप माधुरी का जो स्मरण किया गया वो है तप्त कांचन गौरांग तपे हुए सोने के समान अंग वाले। तपा हुआ जो सोना है वो लाल रंग का नहीं होता है और पीले रंग का भी नहीं होता है, बिल्कुल अद्भुत एक अपूर्व उसकी चमक होती है, होता है गोरे रंग का, न उसको लाल कहा जाएगा न उसको न पूरा लाल और न पूरा वो केसरिया भी नहीं है और वो सफेद वो पूरा पीला भी नहीं। तपा हुआ सोना बिल्कुल कोरे रंग का एकदम सामने प्रकट होता है तप्त कांचन गौरांग तपे हुए बिल्कुल लाल तपा हुआ जो सोना है उसे जैसे कांति निकलती है और होता गोरा है ऐसे ही श्री किशोर जी तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी श्री विश्वानंदिनी विद्युल्लता कोटि प्रभावती विद्युल्लता कोटि प्रभा उनको धारण करती हुई श्री विश्वानंदिनी विराजमान है। वे तो तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणाम वंदना का श्लोक है। तो श्री राधिका दधाना मध्यान्न ज्वलत अरुण कांतिक प्रतिमया मध्यान्न काल के ज्वलत माने चमचमाते हुए अरुण कांति वाली ही शोभा उससे युक्त बपु श्रीअंग को धारण करके राधिका विराजमान है और गंड स्थल तुलित कारण्डव रुचि जिनके कपोल अपूर्व रूप से सुंदर शोभा को प्राप्त कर रहे हैं माने श्वेत होकर के कारण्डव रुचि माने श्वेत रंग के जिनके कपोल अपूर्व रूप से गोरे रंग के जिनके कपोल विराजमान है बक और कारण्डव ये बगुलों का बगुला के ही एक भेद है। तो जो कुछ ललोल लिए हुए जो सफेद रंग है वो होता है कारण्डव का, बगुले का रंग एकदम सफेद होता है, हंस का रंग कुछ स्वर्ण की भाप कांति को लेकर के विराजमान, तीनों ही सफेद है, हंस कुछ स्वर्ण कांति का होता है, कारण्डव कुछ लाल कांति का होता है और बगुला एकदम सफेद होता है, ये तीनों में अंतर है। तो आज श्री राधिका के कपोल गंडस्थल गंडस्थल माने कपोल तुलित कारण्डव रुचि
जो कारण्डव माने कारण्डव नामक जो बहुले की जाति है उसकी शोभा को धारण करते हुए विराजमान है। कृषांगी एम निद्रा परिमल हरिद्राक्ष कबला, श्री राधिका एकदम कृषांगी होकर के विराजमान है। निद्रा परिमल जो अपूर्व उनीरी जो स्वरूप है, उनीरे स्वरूप वाली अक्ष कमला जिनके पलक कुछ छप रहे हैं, उनीरे हो रहे हैं, ऐसी ये श्री राधिका मन रात भर सोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन निद्रा को धारण करके विरहणी होकर के रात भर जो जगती रही है, तो निद्रा की परिमल माने निद्रा की पराग, उसके कारण तरी माने कुछ कुछ जिनके अक्ष कवला, दरी अक्ष कवला जिनके नेत्र अपूर्व से सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी ये श्री राधिका यहां पर विराजमान हो रही है। हर विरह से खिन्न होकर के विराजमान है। कृष्ण समय देखते हैं और कह रहे हैं कि दृष्टिया कीरे हमना समाश्वास कोसमी, आहा धन्य धन्य श्री तोते ने अब मुझे समाश्वासन प्रदान किया है। अब ये जो राधिका है वो असली राधिका है, ये वेशवादी नहीं है, वो राधिका तो नहीं है मुखरा जी के घर में, और जो असली राधिका है उनका प्रवेश लीला शक्ति ने यहाँ पर श्याम सुंदर के पास किया। तो दो राधिका हो गई, एक राधिका से तो जितना भी जो माया ने पूरा समाधान कर दिया, और समाधान करके क्रोध जो उत्पन्न हुआ था अभिमन्यु में जटला में उस क्रोध को समाप्त कर दिया, जो बाधा डालने वाली मुखरा थी उन मुखरा के पास में भी पहुंची, और मुखरा भी जब देखेंगी घूंघट उठा करके तो सोल हा 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 करके हंस देंगे और उठा दिखा देंगे, तो मुखरा की भी वही हंसी होने वाली है। तो परंतु अब श्री शुक ये श्याम सुंदर की सेवा करते हुए यहां पर विचक्षण नाम करके जो शुक है वो श्री किशोरी जी की और श्याम सुंदर की सेवा करते हुए यहां पर कह रहे हैं। लीला में श्याम सुंदर के शुक का नाम है विचक्षण, सुधी नाम करके एक सारिका है शुक बध, यद्यपि मैना और तोता ये दो अलग अलग जाति हैं, परंतु कवि जनों ने तोता और मैना इनके जोड़े को माना है, और शुक शुकबधु करके मैना को शुकबधु करके निरूपण किया, वो शुकबधु है नहीं, दोनों की जो जाति है वो अलग अलग है, दोनों की योनि अलग अलग है, परंतु कवियों ने शुक और सारिका इनको शुक और शुकबधु करके ही निरूपण किया है। तो यहां पर श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में गोस्वामी जी निरूपण करते हैं कि शुक का नाम है विचक्षण और सारे का जो है उसका नाम है सुधी, सुधी नाम करके सारे का और विचक्षण नाम करके शुक। ये दोनों मध्यान्ह काल में भी श्री प्रियालाल जिस समय श्री राधा कुंड उनकी कुंज में पधारते हैं तो निकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर बैठ करके वे शुक और सारे का झूठ मूठ विवाद करते हैं। सारिका कहती है अरे शुक चुप हो जा, तेरे कृष्ण को हमने जान लिया, वे ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, दोष करके दुर्बल करती है वह अपनी स्वामी श्री राधिका का गायन करती है। शुक कहता है अरे सारिका चुप रहे, तू जो बढ़ा चढ़ा करके अपनी स्वामी श्री राधिका की महिमा का गायन कर रही है, उन राधिका को भी आकर्षण करने वाले हमारी श्याम सुंदर है। ऐसे मिथ्या विवाद शुक सारिका का उस समय होता है, और उस शुक सारिका के विवाद को सुनकर के श्री प्रियालाल मध्यान्ह में जो शयन कर रहे हैं, शयन करने के बाद में उनकी नींद उठती है और जागते हैं और फिर देर लगती है, हाय जिस काम के लिए आए वो काम तो हुआ ही नहीं, आई थी कि सूर्य पूजन करना है और यहाँ सूर्य पूजन तो हुआ नहीं, और मध्यान्ह पूरी लीला का विस्तार होने को आया, मध्यान्ह व्यतीत होने को आ रही है, चलो चलो जल्दी से सूर्य पूजन करने के लिए चले। और तब श्री प्रिया जी
सूर्य पूजन करने के लिए छोटे भरना सूर्य कुंड उनके उपवास में पधारते हैं और वहां सूर्य पूजन करते हैं। और श्री कृष्ण तब आगे आएगा, श्री विदर्भ माधव में वो लीला का वर्णन आएगा आगे कि श्री कृष्ण वहां पर ब्राह्मण का वेश धारण करके झूठ मूठ मंत्रों के द्वारा कृष्ण की सूर्य की पूजा कराते हैं। ब्राह्मण बनकर के बिल्कुल पंडित जी बनकर के आगे और आप सूर्य पूजन कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य पूजन कराते हुए विराजमान होते हैं। वो आगे विदग्ध लीला में श्याम सुंदर की विदग्धता के वर्णन में उस प्रसंग को आगे प्रसंग में डूब पड़ करते हैं। श्री कृष्ण दृष्टि डालते हुए कह रहे हैं कि सखे दृष्टिया कीरेण अमुना समाश्वास को स्मी। इस विचक्षण शुक ने मधुर वचन बोल करके मुझे आश्वासन दे दिया है। मधुमंगल कह रहे हैं कि अरे जान गया कि नूनम वृंदा भाषितम अनुकरोति कीरः। ये तोता वृंदा ने जो कुछ भी बोला ये बड़ा विचक्षण तोता है और श्रुतिधर है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये जो कुछ भी एक बार सुनता है सुनने के साथ ही साथ इसको याद हो जाता है। ये लीला के शुक है, प्राकृत शुक थोड़ी है। ये सारी लीला जो है वो तो लीला की सारा परकर जो है यहाँ का तो कण कण सब चिन्ह में है और वो चिन्ह में सब दौत्य करने के लिए तैयार। श्री प्रियालाल इनके दूत बनने के लिए प्रियालाल को मिलाने में ही सबका एकमात्र लक्ष्य है वृंदावन के कण कण का। कितना सुंदर ये, यदि कोई विदग्ध माधव नहीं पढ़े तो ये बात कैसे समझ में आए। सुन करके सुन लेगा कहा सिद्धांत तो सुन लिया परंतु तो हृदय में नहीं बैठेगा। जब लीला में उसका प्रयोग देखेगा तो हृदय में बैठेगा कि वृंदावन का कण कण कैसे श्री प्रियालाल उनकी सेवा करने में तत्पर है। श्री वृंदा सखी और वृंदावन सखी के रूप में कैसे श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान है। तो कह रहे हैं कि वृंदा ने जो कुछ भी कहा ये तोता सुनते ही उसको पहचान गया है और पहचान करके यह उसी का अनुवाद करते हुए माने दोबारा बोलते हुए विराजमान हो रहा है। ये तो वृंदा भाषतम अनुकरोति कीरा। श्री कृष्ण कह रहे हैं सखे दृष्टु इच्छा में तादृशो वृंदा सुबलम। बोले मेरी भी इच्छा है कि मैं भी सुवल राधिका वेश धारण करके कैसा लगता होगा। मैं भी सुवल का दर्शन करना चाहता हूं। वृंदा ललता का वेश धारण करके कैसी लगती होगी ये मैं भी देखना चाहता हूं। अब यहां पर एक फिर से एक ट्विस्ट आएगा कहानी में, एक नया मोड़ आया। श्री असली जो राधा कृष्ण है, असली जो राधा और ललता है उनको कृष्ण समझेंगे नकली है, ये नाटक हो रहा है। और जो नकली थे उनको सारे ब्रजवासी गण समझ रहे थे कि ये असली है। तो यहां पर एक नया फिर से एक ट्विस्ट, एक नया जो कथा में वस्तु में जो मोड़ है चमत्कार उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि सखे दृष्टि में छामी तादृशो वृंदा सुबलम। वृंदा सुबल कैसे लगते होंगे उनको मैं देखना चाहता हूं। राधा कृष्ण को कृष्ण और श्री हरे कृष्ण राधा और ललता बन करके वे कैसे दिख रहे होंगे इसका मैं देखना चाहता हूं। तत्पर्यता जल्दी से चलो चलो जल्दी कर। मधुमंगल वंशी कृष्ण करे निक्षिप्य परिक्रामती। मधुमंगल वंशी को ले भैया संभाल अपनी वंशी, ऐसे वंशी को श्री कृष्ण के श्री हस्त में दे करके मधुमंगल उस समय घूमता है। श्री कृष्ण उस वंशी को लेते हैं और वंशी को लेकर के कहते हैं सुविच्छुतां वंशी उपलब्धोस्मि। हाय आज बड़े दिन से बिछुड़ी हुई वंशी उसको मैंने प्राप्त कर लिया। मेरी प्यारी वंशी जो मुझसे बिछुड़ गई थी उसको आज मैंने प्राप्त कर लिया है। तद एनाम पूरे आमी, इस वंशी को मैं अब बजाता हूं। ऐसा कहकर के
त्रिभंग ललित होकर के श्री श्याम सुंदर जैसे वंशी बजाते हैं, मधुमंगल क्षण उत्कर्ण भवन कान लगा करके सुनता है और कहता है, मनोहारी कोपि प्रतिमुख विसारी मृततया विरागोयम बर्या श्रवण परचर्यां रचयति ततः कर्णोत्तंसी कृत चतुर्वंशी कलुरुति निरातंका शंके मिलति कंक कल विंकावली रीति। आह देखो देखो, श्याम सुंदर ने वंशी बजाई मनोहारी कोपी, ये वंशी अद्भुत रूप से मन को हरण करने वाली है। प्रतिमुख विसारी मृदतया, ये जितने भी विरोधी वस्तु हैं उन मिलन में बाधक सारी वस्तु सारी बाधाओं को ये वंशी अपने आप दूर करती है। बाधा है तो होने दो, वंशी के ननास को सुनकर के सारी बाधाओं के होने पर भी ये गोपिकागण रुकती नहीं है और ये सारी बाधाओं को लोक वेद की सारी मर्यादाओं को त्याग करके वंशी ननाद के साथ में ही कृष्ण के पास में दौड़ पड़ती है। मनोहारी गोपी, ये गोपियों के मन को हरण करने वाला प्रतिमुख विसारी, मिलन में बाधा आने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को दूर करने वाला और मृदतया विरागोयम बर्याम श्रवण परचर्याम रचयती, ये वंशी नाद अपनी मधुरता के कारण मिठास के कारण ये विरागोयम ये जो अपूर्व मधुर अस्फुट कल ध्वनि है, कल का तात्पर्य है कलंच मधुरास्फुटम, जो मधुर भी हो और अस्फुट भी हो माने प्रकट नहीं हो, स्फुट माने प्रकट, जिसके शब्द स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए उसका नाम है स्फुट। और अस्फुट का तात्पर्य है कि स्वर तो समझ में आ रहा है परंतु अक्षर पूरे पूरे समझ में नहीं आए। तो जगत कलम बाम दिशा मनोहरम, श्याम सुंदर ने कलनाद किया वंशी बजाई, कल की परिभाषा देखते हैं कल किसका नाम बोले मधुर अस्फुट, ये दो गुण जिसमें विराजमान हो उसका नाम कल। ऐसे उस मधुर और अस्फुट स्पष्ट नहीं है और जिसमें जो गीत गाया गया है वो गीत भी कहीं अन्योक्ति अलंकार में वो गीत गाया गया है, साक्षात राधा कृष्ण का नाम नहीं है उसमें, गोपियों का नाम नहीं है, परंतु कहीं घुमा करके अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से गायन किया जा रहा है कि अरे चातकी ये घनश्याम तेरा दर्शन करने के लिए और तुझे आज आतृप्त करने के लिए उत्सुक बैठा है, तू कब आएगी और मेरे द्वारा बरसाए गए इस अमृत का तू पान कर, अथवा ये कोक अभी कोकी तेरे वियोग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है, घबरा मत, ये कोक तेरी सेवा करने के लिए तेरा दास बन करके यहां उपस्थित है। ऐसे अन्योक्ति में कहे गए जो वचन है उन वचनों को जिस वंशी में गाया जाए उसका नाम है कल वचन। तो मृदतया विरागोयम बर्याम श्रवण परचर्याम रचयति, ये मृदुल होकर के यह विराग सुंदर काम की परिचर्या को करने वाला है। अब देखिए पद शैली कितनी सुंदर है, पद शैली वर्ण का प्रयोग कितने कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया, जो अपूर्व रूप से जो रीति है वो पांचाली रीति का यहां पर प्रयोग नहीं है, यहां पर बिल्कुल सुंदर कोमल कांत पदावली वाली वैदर्भी जो रीति है उस वैदर्भी रीति का यहां प्रयोग किया। पांचाली रीति की विशेषता काव्य शास्त्र में बतलाई गई, जहां पर कठिन लंबे लंबे समास और कठिन जो शब्द हैं कान को लगने वाले मूर्धन्य शब्द
उनका जिसमें प्रयोग किया जाए उसका नाम है पांचाली रीति, गौड़ी रीति। जिसमें केवल अलंकार की प्रधानता हो उसका नाम है पांचाली रीति, जिसमें कठिन हो उसका नाम है गौड़ी रीति, जिसमें अलंकारों की अत्यंत प्रधानता हो उसका नाम है पांचाली रीति, और जिसमें रस की प्रधानता हो उसका नाम है वैदर्भी रीति। श्री विदग्ध माधव नाटक ये वैदर्भी रीति का नाटक, रूप गोस्वामी जी की जो शैली है वो वैदर्भी रीति की शैली है। जैसे कि हम श्री गीत गोविंद में अपूर्व रूप से देख रहे हैं कि वहां पर कोमल कांत पदावली का ही प्रयोग, जहां पर इस तरह की भाषा नहीं है, जहां पर परम परम कोमल जो पदावली है, दंते और ओष्ठ पदावली, कंठ दंते और ओष्ठ तीन प्रकार के शब्दों का ही जिसमें प्रयोग है, और कहीं भी विशेष रूप से पालक शब्द या लंबे लंबे समास आप पूरी श्री गीत गोविंद जी का दर्शन कर ले। गीत गोविंद में एकदम ललित लवण लता परिशीलन ऐसी जो पदावली है उस पदावली का ही प्रयोग कर रही है। बेरते हमने कुंज कुटीरे, बिल्कुल कोमल कांत पदावली, तथा डर शब्द का कुछ ऐसे प्रयोग ही नहीं वहां। तो ये जो कोमल कांत पदावली, यदि हरि के विलास के स्मरण का अपूर्व मन हो, यदि कोमल कांत पदावली स्मरण करने का विचार हो, तो श्री जयदेव कवि की जो भारती है उसका निरंतर निरंतर आश्रय ग्रहण करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए। यदि हरे स्मरण में निरुद्ध मन है, यदि कोमल कांत पदावली और काव्य की अपूर्व मधुरमा का दर्शन करना है, तो श्री जयदेव कवि। इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी की जो शैली है वो भी बिल्कुल कोमल कांत पदावली उनसे युक्त होकर के विराजमान है। तो मनोहारे को भी प्रतिमुख विसारी मृदुतया, जहां पर अनुप्रास की अपूर्व छटा अपूर्व रूप से विराजमान है। मन को हरण करने वाली प्रतिमुख विसारी जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करने वाला कोमलता के साथ में अपूर्व ये राग विराजमान है। श्रवण परिचर्याम रचयति, श्रवण की परिचर्या को प्रकट कर रहा है। ततक कर्णोत्तंसी कृत चतुर्वंशी कल रुति ही, आज कानों के उत्तंस माने आभूषण बन करके, कर्णाभूषण बन करके ये वंशी की ध्वनि कल रुति, जिसमें परम सुंदर स्वर प्रकट हो रहे हैं, मिला तंके मिलति कल विंका बलिता, वो वंशी उत्पन्न हुई है और इस वंशी को सुनकर के निरातंक होकर के कलविंक